रामेश्वरम कैफे आईटी शहर के लोकप्रिय हैंगआउट में से एक है। बेंगलुरु के लोकप्रिय भोजनालय द रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुए विस्फोट में कम 9 लोग घायल हो गए। विस्फोट दोपहर में हुआ, जिससे इलाके के ग्राहकों और निवासियों में दहशत फैल गई। पुलिस दल और अग्निशमन दल को विस्फोट स्थल पर भेजा गया। उन्हें विस्फोट के बाद के प्रभावों का विश्लेषण करते देखा गया। कैफे के फर्श पर टूटे हुए कांच और फर्नीचर बिखरे हुए देखे गए, जिसने निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने भी विस्फोट स्थल से साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया है। विस्फोट स्थल पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने इलाके को सुरक्षित कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामेश्वरम कैफे लोकप्रिय हैंगआउट में से एक है और आमतौर पर दोपहर के भोजन के समय यहां अत्यधिक भीड़ होती है। कैफे केसीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पता चला कि कैफे में कोई बैग छोड़ गया है। घटना के आरोपियों को दंडित किया जाएगा, कर्नाटक केसीएम ने संवाददाताओं से कहा। रामेश्वरम कैफे में काम करने वाले एक सुरक्षा गार्ड ने एनआईए को बताया, मैं कैफे के बाहर खड़ा था। होटल में कई ग्राहक आए थे। अचानक तेज आवाज हुई और आग लग गई, जिससे होटल के अंदर मौजूद ग्राहक घायल हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को पुष्टि की कि रामेश्वरम कैफे में विस्फोट कम तीव्रता वाले तात्कालिक विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ था। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन कहते हैं, सीएम और गृह मंत्री को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। जांच चल रही है। हम एफएसएल टीम से फीडबैक लेंगे।